हर साल सर्दी और मानसून के मौसम में लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी भारत में घूमने के लिए आते हैं, जिनको देखकर प्रकृति प्रेमियों का दिल खुशी से झूम उठता है। सर्दी के मौसम में दुनिया के लगभग 40% पक्षी अपने मूल निवास से दूसरी जगह पर उड़ान भरते हैं। इसी अवस्था को माइग्रेट कहा जाता है। पक्षियों पर हुए अध्ययन से पता चला है कि हर साल भारत और विश्व के देशों के पक्षी 10,000 किलोमीटर का प्रवास करते हैं। लेकिन यह बात चौंकाने वाली है कि विशाल समुद्र और सूखे रेगिस्तान को यह छोटे से पक्षी कैसे पार करते होंगे। दूसरा सवाल यह है कि ऐसी क्या जरूरत होती है कि पक्षियों को प्रवास करना पड़ता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पक्षी प्रवास पर क्यों जाते हैं? दुनिया में मौजूद ज्यादातर पक्षी भोजन की तलाश में माइग्रेट करते हैं। बहुत सारे पक्षी ऐसे भी हैं जो प्रजनन के लिए प्रवास करते हैं। ऐसा ही एक पक्षी है खरमोर, जो भारत के रतलाम और सैलाम में प्रजनन के लिए आता है और बाद में अपने बच्चों सहित वापस घर लौट जाते हैं। कुछ पक्षी अपने नवजात शिशुओं को गर्म स्थान से बचाने के लिए भी प्रवास करते हैं, ताकि उनकी मौत ना हो जाए। इसी तरह ज्यादातर पक्षी जलवायु और मौसम के परिवर्तन के कारण अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रवास करते हैं। चलिए अब जानते हैं विश्व के 10 प्रवासी पक्षियों के बारे में। वैसे तो दुनिया में 40% से भी ज्यादा पक्षी प्रवास करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको दुनिया के 10 बेहतरीन माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में बताने वाले हैं। आर्कटिक टर्न, यह पक्षी दुनिया के सभी पक्षियों से ज्यादा दूरी तय करके प्रवास करता है। यह पक्षी हर साल ग्रीनलैंड से अंटार्कटिका के वेडेले सागर तक करीब 71,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सूटी सीर वाटर, यह पक्षी अपना ज्यादातर समय समुद्र में ही बिताता है। माइग्रेशन के दौरान यह पक्षी न्यूजीलैंड से उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अंटार्कटिका से होकर अफ्रीका तक जाता है। इस दौरान इस पक्षी की कुल यात्रा 64,000 किलोमीटर की होती है। शॉर्ट टेल्ड सी वाटर, यह पक्षी हर साल लगभग 27,000 मील का प्रवास करता है। पेक्टोरल सैंड पाइपर, यह पक्षी प्रजनन के लिए उत्तर पूर्व एशिया, अलास्का, मध्य कनाडा और सर्दी के मौसम में दक्षिण अमेरिका के मैदान में 18,000 मील की दूरी तय करता है। नॉर्थन विटियर, यह छोटा सा पक्षी अपनी जान को जोखिम में डालकर 18,000 मील का प्रवास करता है। यह पक्षी मुख्य रूप से यूरोप, ग्रीनलैंड, मध्य एशिया, अलास्का और कनाडा का प्रवास करता है। हाइड वीटर, यह पक्षी हर साल लगभग 18,000 किलोमीटर का प्रवास करता है। बार टेल्ड गोडवीट, अगर बात करें सबसे ज्यादा देर तक उठने की, तो यह रिकॉर्ड बार टेल्ड गोडवीट के पास है। इस पक्षी ने अलास्का से न्यूजीलैंड के प्रवास के दौरान लगातार 9 दिन और 7,145 मील की उड़ान भरी थी। सेमी पलमेटेड सैंड पाइपर, यह पक्षी हर साल प्रजनन के लिए सर्दियों के मौसम में आर्कटिक से दक्षिण अमेरिका का प्रवास करता है। कई बार यह दक्षिण कनाडा से दक्षिण अमेरिका के समुद्र के ऊपर से लगातार 2500 मील की दूरी तय करता है। वंडरिंग एल्बेट्रॉस, यह पक्षी पूरे साल भर 18,000 किलोमीटर की यात्रा करता है। इस यात्रा की शुरुआत अप्रैल में उत्तर और दक्षिण अमेरिका से होती है और उत्तर अटलांटिका में रहता है। इसके बाद गर्मी शुरू होते ही उत्तर अटलांटिका को छोड़कर पूर्व की ओर आगे बढ़ता है और बाद में दक्षिण पूर्व यूरोप और अफ्रीका के तट के साथ साथ दक्षिण अमेरिका में वापिस आता है। बर्न स्वेलो, यह पक्षी साल भर 11,660 किलोमीटर की यात्रा करता है। इस दौरान यह पक्षी भारत, अफ्रीका, अरबिया और यूरेशिया का प्रवास करता है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।